कंपटीशन तो सर काफी अच्छा था, वेदर कंडीशन आपको पता ही है काफी मतलब गर्म, और अभी स्टार्टिंग से ही मतलब वही फील कर रहा है कि अच्छा फील होगा तो थोड़ा एफर्ट उस तरीके से लगाएंगे। फिर अभी दोहा खेल के आया था तो उतना सही से रिकवरी और ट्रैवल काफी था तो इतना वो लग नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने फिर चार ही थ्रो किया और जैसे भी थे वही उस तरीके से एफर्ट लगाया, फिर लास्ट के दो थ्रो छोड़ ही दिए क्योंकि फिर ओस्ट्रावा में कम्पीट करना है दोबारा, फिर अभी थोड़े दिन बाद ही, ये मान लो 10-12 दिन बाद ही जाऊंगा मतलब उधर कम्पीट करना है तो। पर अच्छा लगा, काफी टाइम बाद इंडिया में खेला और काफी लोग आए हैं सपोर्ट करने, वो बहुत अच्छी बात लग रही है। हेलो जी, सवाल है टोक्यो में गोल जीता हुआ है, अब तक तो पीछे निकल के हुआ है, अभी वैसे सीजन तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, वहाँ में भी हुआ और यहाँ हुआ, तो आप उस टोक्यो की तुलना से आप कैसे लग रहे हैं, कौन सा ज्यादा टफ होगा मतलब पेरिस में? टफ तो पेरिस मतलब ओलंपिक तो होने वाला आपको पता है, अगर वैसे ही बात करें तो थ्रो काफी अच्छी इस बार सभी अच्छी तैयारी में हैं और दोहा में भी अच्छा कंपटीशन रहा और टफ तो रहेगा ओलंपिक इस बार, लेकिन ये है कि उससे पहले हमारे पास 2-3 कॉम्पिटिशन्स और हैं, उनमें कोशिश करेंगे कि और अच्छे से थ्रो करें। और अभी कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद हम वही बात कर रहे थे कि अभी हमको अच्छा करना है सभी को मिलकर वहां पे, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं जैन और मनु थे वैसे हमको ओलंपिक्स में वही बेस्ट 8 के अंदर, और कोशिश करेंगे कि भाई अपना जितना बेस्ट कर सके उतना करें, तो वही चीज चाहिए जी, जेवलिन ग्रो करे बस अपना, एथलेटिक्स ग्रो करे।